नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डिज्नी स्टार नेटवर्क अपने बिजनेस को बेच रहा है, सेल कर रहा है। इंडिया के अंदर जितना भी उसका बिजनेस है वो सभी बिजनेस को बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी स्टार नेटवर्क ने यह फैसला कर लिया है कि अगर कोई ब्रॉडकास्टर हमारे नेटवर्क को, जो डिज्नी स्टार नेटवर्क है, उसको अगर खरीदना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करे। और डिज्नी स्टार नेटवर्क ने अपने टोटल बिजनेस का प्राइस भी बता दिया है कि अगर कोई भी ब्रॉडकास्टर, कोई भी नेटवर्क अगर डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीदना चाहता है तो वो हमको इतने पैसे अगर दे देगा तो उसको हम डिज्नी स्टार नेटवर्क, इसके साथ ही डिज्नी प्लस हॉट स्टार एप्लीकेशन को भी दे देंगे। और इसके बाद डिज्नी स्टार नेटवर्क प्लस डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर उसका स्वामित्व हो जाएगा, उसका अधिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, डिज्नी स्टार नेटवर्क किस वजह से अपने पूरे बिजनेस को बेच रहा है, इंडिया में जितना भी डिज्नी स्टार नेटवर्क का बिजनेस है उसको बिक्री कर रहा है। और दोस्तों, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, जितने भी बड़े नेटवर्क हैं, वो चाहते हैं कि डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीद लिया जाए ताकि इस पर उनका अधिकार हो जाए। और इसी वजह से सभी बड़े नेटवर्क, सभी ब्रॉडकास्टर खरीदने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि रिलायंस जियो एक इतना बड़ा नेटवर्क है जो इन सभी नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीद लेगा। रिलायंस जियो नेटवर्क जिस भी क्षेत्र में कदम रखा है वहां पे कंपटीशन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी जिस भी क्षेत्र में कदम रखते हैं वहां पे कंपटीशन को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। इसके पहले उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था और वहां पे जितने भी कंपटीटर थे सबको समाप्त कर दिया और सिर्फ जियो कंपनी ही आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जियो कंपनी को जो टक्कर दे रहा है वो एयरटेल है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जो टेलीकॉम कंपनी में नेटवर्क है वो जियो का ही है। और दोस्तों, अब जियो नेटवर्क ने टीवी इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया है। वाइकॉम 18 नेटवर्क रिलायंस जियो नेटवर्क का है और इसी वजह से जियो नेटवर्क, रिलायंस जियो नेटवर्क डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीदना चाहता है। और दोस्तों, डिज्नी स्टार नेटवर्क ने प्राइस भी बता दिया है कि जो भी नेटवर्क, जो भी ब्रॉडकास्टर हमारे बिजनेस को खरीदना चाहता है वो हमको 87,000 करोड़ रुपए, मतलब कि 87,000 करोड़ रुपए दे, उसके बाद हम उसको डिज्नी स्टार नेटवर्क प्लस हॉट स्टार एप्लीकेशन को भी दे देंगे। और यहाँ पे रिलायंस जियो नेटवर्क ने इसमें जो कीमत बताया है वो 67,000 करोड़ रुपए बताया है कि इंडिया के अंदर डिज्नी स्टार नेटवर्क का जो कारोबार है वो लगभग 67,000 करोड़ रुपए है। और इतना पैसा हम आपको दे सकते हैं, इतने पैसे में अगर आप डिज्नी स्टार नेटवर्क को हमको बेच सकते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे दोस्तों, रिलायंस जियो के साथ साथ सन नेटवर्क, जो कि अधिकतर साउथ में बहुत ही ज्यादा उसका बड़ा इंडस्ट्री है, साउथ में उसका बहुत ही अधिक चैनल्स हैं, और उसने भी इच्छा जताई है डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीदने की। इसके साथ ही दोस्तों, सोनी नेटवर्क ने भी कोशिश किया है कि सोनी नेटवर्क भी चाहता है कि हम भी अगर डिज्नी स्टार नेटवर्क को खरीद ले तो काफी अच्छा होगा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि रिलायंस जियो के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि रिलायंस जियो नेटवर्क डिज्नी स्टार नेटवर्क को जो प्राइस दे सकता है बाकी कोई भी नेटवर्क, बाकी कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं दे पाएगा। और इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डिज्नी स्टार नेटवर्क को रिलायंस जियो नेटवर्क ही खरीदेगा और उसपे जो अधिकार होगा वो रिलायंस जियो नेटवर्क का ही होगा और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी रिलायंस जियो का ही अधिकार होगा। अब देखना दोस्तों, ये होगा आने वाले कुछ समय में ही क्लियर हो जाएगा कि डिज्नी स्टार नेटवर्क को कौन सा ब्रॉडकास्टर खरीदता है, कौन सा नेटवर्क खरीदता है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद फाइनल हो जाएगा कि आखिर में डिज्नी स्टार नेटवर्क जो अपने कारोबार को, जो अपने बिजनेस को बेच रहा है उसको खरीदने वाला कौन है, कितने कीमत में वो डिज्नी स्टार नेटवर्क के कारोबार को, बिजनेस को खरीद रहा है। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।